ये जो आपका पॉइंट सी है, बी है एंड ए है, दीज थ्री पॉइंट्स आर इन द एक्सटीरियर, आर टू द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. ये तीनों पॉइंट्स जो हैं आपके सर्कल के एक्सटीरियर में आपको गिवन है. तो इट मींस सी से जब मैं सर्कल को टच करते हुए एक लाइन पास करूंगी, तो दिस सी डी एंड सी एफ, दीज आर द टू टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट सी टू दिस सर्कल विद सेंटर ओ. अब क्योंकि ये दोनों आपको टेंजेंट्स गिवन है, तो ये दोनों लेंथ्स जो है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स जो है वो इक्वल होती है. तो सी डी अगर 6 सेंटीमीटर है, तो सी एफ विल ऑल्सो बी 6 सेंटीमीटर. मैं सिर्फ ये समझाऊंगी, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द डिटेल ऑफ दिस सॉल्यूशन बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दिस. अब दिस वन इज इट. पॉइंट बी से हम बात कर रहे हैं. पॉइंट बी इज अगेन अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर. सो बी से डी और ई जो है, दीज आर द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो बी डी लेंथ अगर मुझे 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो बी ई विल ऑल्सो बी 8 सेंटीमीटर. ये लेंथ भी हमारी 8 सेंटीमीटर होगी बिकॉज अगेन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स जो है दैट विल बी इक्वल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट. अब ए एफ और ए ई जो है, ये वाली लेंथ मुझे गिवन नहीं है, तो आई विल टेक इट एज एक्स. अगर मैंने एक साइड पे एक्स ली है, तो दूसरी साइड पे भी एक्स लेनी पड़ेगी क्योंकि अगेन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दिस एक्सटीरियर पॉइंट विल बी सेम. तो अब अगर मुझे बात करें, तो मुझे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली बी सी जो है, दिस फुल लेंथ इज 14 सेंटीमीटर. दिस लेंथ इज 6 + 8 x विच आई हैव टू कैलकुलेट. दिस लेंथ इज 8 + x अगेन विच आई हैव टू कैलकुलेट. तो अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूं, तो इट मीन्स इफ आई फाइंड आउट सम हाउ द वैल्यू ऑफ एक्स, तो माई पर्पज इज सॉल्व. एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है, जस्ट वी आर गिवन की रेडियस ऑफ द सर्कल 4 सेंटीमीटर गिवन है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर टोटल मुझे बी सी गिवन है. तो हम यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, दैट वन इज कि हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे क्योंकि मुझे साइड्स की इंफॉर्मेशन गिवन है. यहाँ पे मुझे अगर मैं लेके चलूँ ये वाली ट्राइंगल बी ओ सी, यहां से हम ट्राइंगल लें ए ओ सी और थर्ड वाला अगर हम लेके चलें दैट इज ए ओ बी. तो ये तीनों के तीनों ट्राइंगल्स जो हैं, इनका एरिया जो है वो बड़े वाले एरिया के इक्वल है. तो हम क्या करेंगे, दोनों तरीके से एरियाज निकाल के उनको इक्वेट कर देंगे. इक्वेट करने पे बिकॉज वी आर हैविंग ओनली वन अननोन, तो वी विल फाइंड आउट दैट वैल्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द हीरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए बी सी. ए बी सी ट्राइंगल का एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला के लिए आई एम हैविंग ऑल द थ्री साइड्स. एक साइड मुझे गिवन है 14, दूसरी गिवन है 6 + x, थर्ड साइड आई एम गिवन एज 8 + x. तो अब हमने क्या करना है, इनका एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर. तो सेमी पेरीमीटर यू नो दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई टू. तो 14 + 6 + x + 8 + x/2. 14 + 6 = 20 + 8 = 28. x + x = 2x. 28 और 2x को आपने ऐड करके 30 नहीं लिखना है, ये याद रखिएगा. तो सेमी पेरीमीटर आ गया, 2 कॉमन लिया यहाँ से, 14 + x. अब एरिया हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज s इंटू एस माइनस ए. तो s इंटू एस माइनस ए, ए क्या है हमारे पास 14 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. यहां से एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विद एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एज 14 + x इंटू ये एक्स, 14 - 6 = 8, 14 - 8 = 6, यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो दैट इज 48 x. मैंने एक स्टेप बीच में स्किप कर दिया है, यू आर टू डू दैट स्टेप आल्सो. यहाँ पे x रह गया, ये चारों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. हियर वी आर हैविंग 14 - 6 दैट इज इक्वल टू 8.
Here we are having 14 minus 8, that is equal to 6. So 6 8s are 48 into x is 48x multiplied by 14 plus x. So area of triangle ABC हमारे पास ये आ गया. Let this be your equation number 1. अब equation number 2 में again we are to find out the area. अब area of these three triangles का sum जो है that will be equal to this. तो हमें क्या करना है, अब क्योंकि तीनों triangles मुझे जो है वो सिमेट्रिक नहीं गिवन है, तो हम थ्री टाइम्स एरिया ऑफ वन ट्राइंगल नहीं कर सकते, ये आपने ध्यान रखना है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी. ये तीनों जो आपकी छोटी वाली ट्राइंगल्स बन रही हैं, ए ओ सी, सी ओ बी, बी ओ ए, नेम आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, क्योंकि तीनों केस में मुझे ये एल्टीट्यूड जो है वो रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन है. तो फर्स्ट वाले के लिए बी ओ सी के लिए दिस बी सी इज गिवन टू बी 14 सेंटीमीटर, रेडियस 4 है. तो फॉर्मूला आप लगा देंगे, हाफ इंटू बेस इज 14 इंटू एल्टीट्यूड इज 4 प्लस ए ओ सी के लिए बेस इज 6 प्लस एक्स, तो हाफ इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 4, और थर्ड वाले के लिए अगेन हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4. रेडियस क्योंकि टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये तीनों जो हैं दीज विल बी ट्रीटेड एज परपेंडिकुलर्स. बेस आपको गिवन है, तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, दिस इज 98 प्लस 6 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस 8 प्लस एक्स इंटू 2. आप चाहो तो यहाँ से हाफ इंटू 4 कॉमन लेके कर सकते हो, वो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए अगर यहाँ आप कटिंग नहीं करते हो. तो हाफ इंटू 4, हाफ इंटू 4 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपके पास रह जाएगा 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स. सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ 28 प्लस 2x, सो दिस विल बी 4 टाइम्स 14 प्लस एक्स. यहाँ पे भी क्योंकि 14 प्लस एक्स था, तो इधर दूसरी तरफ भी हमने 14 प्लस एक्स की फॉर्म में ले लिया. सो अब लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये सेम ट्राइंगल के एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट विल बी इक्वल टू योर सेकंड इक्वेशन. तो दोनों को अब हम इक्वेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एंड देन वी विल गेट आवर आंसर. फोर इंटू 14 प्लस एक्स. अब देखो एक तरफ मेरे पास रूट है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, सो दिस विल बी 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, दैट इज 16 इंटू 14 प्लस एक्स का स्क्वायर. 16 और 48 हमने कट कर दिया, 3x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 या फिर आप इस तरीके से कर लीजिए, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन गो फॉर दैट. दिस इज इक्वल टू 0. नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, या माइनस वन से यू कैन से मैंने डिवाइड कर दिया. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद, 14 प्लस एक्स कॉमन लिया, दिस इज 14 प्लस एक्स माइनस 3 एक्स इज इक्वल टू 0. 14 प्लस एक्स
into 14 minus 2x is equal to 0. So if product of two numbers is equal to 0, then either of the numbers or both of the numbers are equal to 0. Both of the factors are equal to 0, you can say. So 14 plus x is equal to 0 or 14 minus 2x is equal to 0. अब अगर हम 14 plus x equal to 0 लेते हैं, तो x is equal to minus 14, x negative आ गया, which is rejected, as side या part of a side cannot be negative. So यहाँ से 14 minus 2x is equal to 0, यानी कि 2x is equal to 14, तो x is equal to 7. x आपके पास 7 आ गया. So x is equal to 7 means AC is 6 plus x, that is 13 centimeters, and AB is 8 plus x, that is 15 centimeters. So the sides AB and AC we have calculated. If any doubt is there, you can ask. हमने simply क्या किया है, triangle का दो तरीके से area निकाल लिया. First method using Heron's formula. Second method, जो इसमें तीन छोटे triangles बन रहे हैं, उनके areas को हमने add कर दिया. क्योंकि दोनों areas same triangle के areas को represent कर रहे थे. So that's why what we have done, दोनों areas को हमने equate कर दिया. So this was your question number 12 of exercise 10.2. Now moving on to next chapter, chapter number 14, statistics. You would have seen your sample papers issued from the board side. There are no 1 mark questions. Only 2 marks, 3 marks and 4 marks questions are there. So I will be posting you the test on the basis of that only. 2 marks questions, 3 marks questions and 4 marks questions. So you will be making a PDF for that and sending back to me. Tomorrow you are having your test of AP. Already I have informed you. Statistics you have done in your class 9th also. Let us discuss the terms once again quickly. आपने इसमें grouped data किया हुआ है. Grouped data में you know Jasleen, turn on your video. Then only I will unmute. You can just turn it on. Yes. Now you can unmute yourself. You can turn off your video if you wish. मैम मेरे कहना था 13th क्वेश्चन करवा दो, उस दिन अनु मैम ने भी नहीं करवाया था, या फिर वो होमवर्क करना है. Okay, okay. So you haven't done, you were unable to do? No, ma'am. Unable to do me, no ma'am, so it means you would have done. Okay, I'm just going to discuss. We are having proof that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. Hame given hai opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle. Main aapko hint de rahi hu, you will do it yourself. कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल आपने ले लेना है. अब देखो इसकी ओपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं. पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो. ए बी, ए बी के ओपोजिट इज सी डी. इधर से ए डी, ए डी के ओपोजिट इज बी सी.
अब हमें उसने क्या कहा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब आपको शो क्या करना है, दैट दिस सबटेंड ऑपोजिट साइड्स सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सेंटर हो गया, ऑपोजिट साइड्स ये, इसके ऑपोजिट ये साइड। तो हमें शो करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री है, यानी कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, दीज आर सप्लीमेंट्री, मींस दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। इधर से ए ओ बी एंड सी ओ डी, दीज आर सप्लीमेंट्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सिंपली हमने यहाँ पे जो कंसेप्ट लगाना है वो क्या लगाना है कि यहां से हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेते हैं। लेट दीज बी नेम्ड एज पी क्यू आर एंड एस। अब हमें जो है देखो क्या शो करना है कि जैसे ये साइड है आपकी इधर ए ओ बी, इसमें एंगल्स को हम नेम दे देते हैं। हम क्या करेंगे, ए बी से यू कैन सी ओ पी के साथ ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, तो हमने सिंपली इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, हमने शो करना है दैट दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे तो एंगल 1 और 2 हमारे इक्वल आ जाएंगे। सेम वे में 3 और 4 इक्वल आएंगे, 5 6 के इक्वल आएगा, 7 8 के इक्वल आएगा। फर्स्ट काम हमने ये करना है। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के लिए व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे, ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट होंगी बेटे ये वाली 1 के साथ 2, इधर 3 के साथ ये 4 लोगे, दिस विल बी योर 5, दिस विल बी 6, दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 8। अब बताइए 1 और 2 को मुझे कॉन्ग्रुएंट शो करना है, क्योंकि मुझे 2 और 3 का जो सम है वो 7 और 6 का सम, इन चारों का सम इक्वल टू 180 शो करना है। तो 1 और 2 को मैं इक्वल शो कर दूंगी, 3 और 4 को इक्वल, 5 और 6 को इक्वल, 7 और 8 को इक्वल, देन हम रिप्लेसमेंट्स कर देंगे। देखो ट्राइंगल लेंगे हम ओ ए एस एंड ओ ए पी, इन दोनों ट्राइंगल्स में व्हाट वी विल डू, यहां से देखो ये ओ एस और ओ पी इक्वल, बोथ ऑफ दीज आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, देन ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन, देन ए एस इक्वल टू ए पी, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट जो है, टेंजेंट्स आर ऑफ सेम लेंथ फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ओ ए एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए पी, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सेम वे में एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये चीज आ गई हमारी। अब अगर मैं यहाँ पे सेंट्रल एंगल की बात करती हूँ, तो सेंट्रल एंगल यू नो दैट इज 360 डिग्री, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, दिस इज 360 डिग्री। अब मुझे शो करना है ओपोजिट एंगल्स, ओपोजिट साइड्स जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, यानी कि मुझे 2 3 6 7 को लेके चलना है, तो 2 3 6 एंड 7 को लेके चलना है। और अगर मैं इधर से देखूं 1 किसके इक्वल है 2 के, तो इट मींस इस 1 को मैं रिप्लेस करूंगी 2 से। 3 मुझे लेना है, 4 किसके इक्वल है 3 के, तो 4 को मैंने 3 से रिप्लेस किया। 5 किसके इक्वल है 6 के, तो 5 को 6 से रिप्लेस किया।
सेवन मुझे चाहिए, एट मुझे नहीं चाहिए, इसकी जगह मुझे सेवन चाहिए, एट सेवन के इक्वल है, तो एट को मैंने सेवन के इक्वल ले लिया। अब ऐड करो, ट्वाइस ऑफ एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन, दिस इज 360 डिग्री। टू उधर जाएगा तो टू प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस सेवन इज 360/2, दैट इज 180 डिग्री। तो ऑपोजिट साइड्स से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है दैट आर सप्लीमेंट्री। सो टू प्लस थ्री यानी कि एंगल ए ओ बी, सिक्स प्लस सेवन यानी कि एंगल सी ओ डी, इन दोनों का सम इज 180 डिग्री। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 13। आई एम गिविंग यू द ऑप्शन टू अनम्यूट, इफ एनी वन इज हैविंग एनी डाउट सो यू कैन आस्क योर डाउट। You can unmute yourself and ask your doubt if anyone is having any doubt. Otherwise, Yes, we are ma'am. moving on to the next one. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा। मैम एक बार इसके होमवर्क पार्ट्स बता दो मैम, जो जो करने हैं फिर में। All the even parts, बेटा। ओके मैम, थैंक यू। So now we are starting with the chapter number 14, statistics. देखो स्टैटिस्टिक्स में यू नो कि आपका जो डाटा है वो ग्रुप्ड होता है, रॉ डाटा अगेन यू आर हैविंग एंड ग्रुप्ड डेटा है आपके पास, रॉ डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है, ये सारा आप लोगों ने जो है किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में। तो हेयर वी विल बी डीलिंग विद द ग्रुप्ड डेटा ओनली। ग्रुप्ड डेटा में आपको क्या गिवन होता है कि लेट अस सपोज कि मुझे किसी क्लास के कोई मार्क्स गिवन है, तो साथ में हमें फ्रिक्वेंसी गिवन होती है। तो ये दो चीजें जो है वो हमें गिवन होती है। मार्क्स जो है वो आपको एक रेंज गिवन होती है, या सिंपली अगर मैं कहूँ कि 10 मार्क्स इतने बच्चों के हैं, 15 मार्क्स इतने बच्चों के हैं, यानी कि एक ग्रुपिंग वे में, एक परफेक्ट वे में, प्रॉपर वे में, एक फॉर्मेट बना के आपको डाटा जो है वो गिवन होता है। अब इस तरह के क्वेश्चंस जब आएंगे और जब हमें एक इंटरवल गिवन होता है, लेट अस सपोज मुझे गिवन है 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, तो ये जो है आपका इसमें क्या हो गया कि ये डाटा आपका हमने एक वे में कर लिया कि ग्रुप्ड वे में है, ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है। तो इसमें फर्स्ट चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी होती है दैट वन इज कि ये वाला और ये वाला नंबर, दीज नंबर्स शुड बी सेम। अगर ये आपका नंबर्स सेम होते हैं तो इट मीन्स जो हमें डाटा गिवन है दैट वन इज द कॉन्टिन्यूअस डाटा गिवन टू अस, डाटा में कहीं पे कोई ब्रेक नहीं हो रहा, तो हम ये कहते हैं कि जो ये हमें फ्रीक्वेंसी इंटरवल्स गिवन है दीज आर द कॉन्टिन्यूअस इंटरवल्स गिवन टू अस। सेकंड थिंग, अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट यू आर टू टेक केयर ऑफ इज कि 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है। अगर इसके लिए कोई एक फिक्स्ड रूल जो है कह लो कि नहीं बनाया जाता कि ये 10 कौन से इंटरवल में लेना है, तो क्लास में ही अगर मैं कोई क्वेश्चन दूं तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 0 to 10 में 10 को इंक्लूड कर लेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 10 to 20 में उसको इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन जब आपके रिजल्ट्स आएंगे, जब आप उनकी जो भी उस पे बेस्ड आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, चाहे आप मीन निकाल रहे हो, मीडियन निकाल रहे हो या मॉड निकाल रहे हो, उसमें आपका जो आंसर है वो वेरी कर जाएगा। तो जितना भी हमने यानी कि कह लो काम किया वो सब पर्पजलेस हो जाएगा इफ यू आर नॉट गेटिंग द सेम आंसर थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर दैट। तो उसके लिए अगेन क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड बनाया गया, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली
इसको जो है हमने एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल नेम दिया गया। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि जो ये आपका नंबर है दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द फर्स्ट इंटरवल, यानी कि 0 to 10 और 10 to 20 में दो जगह पे आपका 10 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 10 आपका यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट दिस वन इज द लोअर लिमिट एंड दिस वन इज द अपर लिमिट। अगर आपकी अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल, तो आपका जो डाटा है दैट क्लास इंटरवल्स हैं वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में होते हैं। एक्सक्लूसिव फॉर्म का मतलब क्या है कि अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, यहाँ पे 10 आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 10 अगर कहीं पे आता है कि आपको खुद इंटरवल्स फॉर्म करने पड़ रहे हैं और 10 वैल्यू है वहां पे, तो यू विल नॉट टेक दैट 10 इन दिस इंटरवल, 10 यहाँ पे इंक्लूड होगा। ठीक है, सेम वे में अगर 20 की हम बात करते हैं, 20 क्योंकि इस वाले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है तो 20 विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम हेयर, इट विल बी इंक्लूडेड हेयर। 30 की बात करते हैं, 30 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ एक्सक्लूड करेंगे, इसका जो नेक्स्ट इंटरवल बनेगा वहां पे आप उसको इंक्लूड करोगे। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म का मतलब है कि जो अपर लिमिट की वैल्यू है दैट यू आर टू एक्सक्लूड, उसको आप लेके नहीं चलोगे इन दैट स्पेसिफिक इंटरवल। एक तो ये चीज पता होनी चाहिए, ये कब होगा एक्सक्लूसिव फॉर्म, व्हेन द डाटा विल बी कॉन्टिन्यूअस। अगर डाटा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेट अस सपोज कि मुझे यहाँ पे 0 to 9 गिवन है, नेक्स्ट नंबर मेरा 10 से शुरू हो रहा है, देन क्योंकि आपका डाटा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 9 आप यहाँ लोगे 10 आप यहाँ लोगे, वैसे तो हम क्या करते हैं उसको कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं, बट इन केस इफ इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस गिवन टू यू, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो 9 यहाँ लेना है 10 यहाँ पे लेना है। जब ये नंबर्स आपके डिफरेंट हैं देन दैट इज कॉल्ड द इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव मतलब आपने जो आपका अपर लिमिट है उसको इंक्लूड करना है, उसको इंक्लूड करना है तो दैट इज द इंक्लूसिव फॉर्म। यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं करना था, एक्सक्लूड करना था, नेक्स्ट में वो आ रहा था तो दिस वन वाज द एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है, व्हेन एवर योर डाटा इज गिवन कॉन्टिन्यूअस तो वो एक्सक्लूसिव फॉर्म है, अपर लिमिट आपने नहीं लेके चलनी है, नेक्स्ट इंटरवल में वो जाएगी आपकी। जब फॉर्म आपकी इंक्लूसिव गिवन है तो अपर लिमिट आपने इंक्लूड करनी है। बट इस तरह से हम क्वेश्चंस को कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन वी गो यूज टू सिंप्लीफाई दैट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपने ध्यान रखना है, अगर ये गलत तो समझो क्वेश्चन आपका गलत। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा इसमें दैट इज, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कन्वर्ट कैसे करना है, देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है दैट इज द क्लास मार्क और यू कैन से द मिड पॉइंट। क्लास मार्क का अदर नेम इज मिड पॉइंट। क्लास मार्क या मिड पॉइंट निकालने के लिए सिंपली फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज द लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मिड पॉइंट है तो डिवाइड बाय 2, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल और द क्लास मार्क ऑफ द इंटरवल। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, क्योंकि एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है, तो चाहे आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट लिखो चाहे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट लिखो, दैट्स वन एंड द सेम थिंग। सो ये आपका क्लास मार्क आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, अगर रॉ डाटा आपको गिवन है तो जो रेंज है आपको वो पता होनी चाहिए, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू। और क्लास मार्क का आपका कई जगह पे यूज होना है, बिकॉज जब आप मीन या मीडियन वगैरह कैलकुलेट करोगे तो वहां पे आपको मिड वैल्यू चाहिए होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। जो भी आपको इंटरवल गिवन है उसकी लोअर लिमिट गिवन है अपर लिमिट गिवन है, दोनों को सिंपली प्लस करो डिवाइड बाय 2 कर दो, वट एवर यू वैल्यू यू आर गेटिंग वो आपका मिड पॉइंट बन जाएगा फॉर दैट स्पेसिफिक इंटरवल। हर इंटरवल का जो आपका क्लास मार्क होगा दैट विल बी द डिफरेंट वन। सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर। आज के होमवर्क के लिए आपने ये सारी थियोरी जो है इसकी पढ़नी है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आई विल सेंड टू यू एंड यू आर टू गो थ्रू दैट। अगर ये आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो चैप्टर आपके लिए मुश्किल नहीं है। दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन योर फॉर्मूला, फॉर्मूले अगर आते हैं तो जस्ट कैलकुलेशन यू आर टू डू।
और स्कोरिंग है इसमें, मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो. तो रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स वी विल डू टुमारो. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. यस अमृत.